अगर किसी संख्या को उसी के साथ विभाजित करें तो हमें एक ही मिलेगा। उदाहरण के लिए 3 को 3 से विभाजित किया तो 1 होता है। 1000 को 1000 से विभाजित किया तो भी 1 ही होता है। अगर हमारे पास 1000 आम हैं और उन्हें 1000 आदमियों में बांटना है तो हर एक को 1 ही आम मिलेगा। समझ गए ना? लेकिन सर, अगर 0 को 0 से विभाजित किया तब भी हमें 1 ही मिलेगा, है ना सर? अगर 0 आम हो और उसे 0 आदमियों में बांटा दो तब भी हमारे पास 1 ही आम बचेगा, है ना सर? ये कैसा प्रश्न है? 0 का मूल्य होता है क्या? होता है ना सर, गणित के हर नंबर का मूल्य 0 ही तो बढ़ाता है ना सर? अब देखिए सर, 1 का मूल्य सिर्फ 1 ही होता है, लेकिन अगर 1 के आगे 0 लगा दे तो 10 बन जाएगा। उसमें 1 और 0 लगा दे तो वो 100 बन जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि 0 का कोई मूल्य नहीं होता, तो आपकी बात कैसे माने सर? कहाँ जा रहे हो? अभी आता हूँ। पंडित जी, क्या हुआ? क्या मैं एक बात पूछूं? यहाँ पे आज 142 औरतें आई हैं, लेकिन पंडित जी आपके पास यहाँ सिर्फ 137 मिठाइयाँ हैं। इसका मतलब 5 औरतों को मिठाई नहीं मिलेगी। ये काले चनों से भरा बर्तन हमारे घर पर भी है, इसमें लगभग 8710 काले चने रख सकते हैं। आप हर एक को अपनी मुट्ठी भर के 65 चने एक बार में दे रहे हैं। अगर आप ऐसे ही चने देते रहे तो 8 औरतों को चने भी नहीं मिलेंगे। जो काम मैं सालों से कर रहा हूँ उसे कैसे करना है तू बताएगा? जा यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? चलो यहाँ से। भाई, जैसा उस लड़के ने कहा था, 5 औरतों के लिए मिठाई कम है और 8 औरतों के लिए चने नहीं बचे हैं। अरे वाह, क्या बात है! इतने छोटे से लड़के ने सिर्फ देख के ही इतना सही अनुमान कैसे लगा लिया? लक्ष्मी की कृपा से मेरा नाम रोशन करोगे। क्या कहा? आज मैं दिखाता हूँ तुझे मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। संसार की हर वस्तुओं में वास करते हैं तेरे विष्णु, ऐसा कहा था। इस स्तंभ में है क्या तेरा विष्णु? अगर है तो उसे बाहर बुला, मैं भी उसकी शक्ति देखता हूँ। चल। अब हिरण्यकश्यपु की शक्ति देखो। बुला उसे। इस स्तंभ में भी है क्या वो? है पिताजी, यहाँ भी है। इस स्तंभ में भी है क्या वो? है पिताजी, इसमें भी है। इस स्तंभ में है क्या वो? है पिताजी, वो हर जगह है। तो दिखा मुझे। क्या हुआ बेटा? मैं डर गया था माँ। क्यों बेटा? रामानुज, वो देखो बेटा, नामगिरी थियर हमारी कुलदेवी हाथ जोड़ के सिर झुका। मा
साथ में गाओ। अच्छा, कल कॉलेज के बाद मैं मंदिर जाऊंगा। अरे यार, जान खा रखी है मैथ प्रोफेसर सीतारमन ने। उस दिन किसी मंदिर में देख लिया, कहता है पैसे खर्च करके तू मंदिर में लड़कियों के दर्शन करने जाता है। उस बूढ़े के पास खर्च करने के लिए दो पैसे नहीं तो मुझ पर भड़ास निकालता है। चुपचाप मैथ पढ़ाने का छोड़ के क्लास में उल्टे सीधे फालतू सवाल करके इंसल्ट करता है। एक तो मैथ्स के नंबर मुझे वैसे ही समझ में नहीं आते, उसमें मेरी गलती है क्या? ए रामस्वामी, तुझे पता है उसे ऐसा लगता है जो गणित पढ़ते हैं लड़कियां सिर्फ उन्हें ही भाव देती हैं। हाँ रामास्वामी, ऐसा कोई रूल है क्या? रामानुज आओ। रामानुज अंकल, माँ ने घर का भाड़ा देने बोला है। ये लो। अंकल, ये किताब मैं रख सकता हूँ क्या? इसे पढ़ के कल लौटा दूंगा। स्कूल में जाने वाले को क्या पल्ले पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री है। बीए पढ़ने वाले को समझ में नहीं आया तो तुझे कैसे समझ में आएगा? देख लेंगे अंकल, पहले मैं इसे पढ़ तो लूं। रामानुज, इसमें कोई भी तस्वीर नहीं है। तुम ऐसे पहले लड़के हो जो गणित की किताब में दिलचस्पी ले रहे हो। ठीक है, ले जाओ। कोमल, ये लो, मालिक ने 2 रुपए काट लिए, बाकी बचे 18 रुपए। इतने पैसों में महीना कैसे चलेगा? बच्चों को गाना सिखाती हूँ, मंदिर में भी गाना गाती हूँ, और ऊपर से कॉलेज के बच्चों को भी भाड़े पे कमरा देती हूँ। क्या बताऊँ आपको, फिर भी इतने पैसों से मेरा घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ, पर मैं इतना ही कर सकता हूँ। नारायण नारायण। हाँ रामानुज, तुमने हमसे जो कल किताब ली थी वो पढ़ के हो गई क्या? हाँ, पूरी पढ़ गई होगी अंकल। क्या कहा, पूरी पढ़ ली? ये कहीं हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? हाँ? तुम कह रहे हो तुमने पूरी किताब पढ़ ली ना? चलो तुम्हें एक सम देता हूँ, उसे सॉल्व करके बताओ मुझे। ठीक है अंकल। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इन अ सर्कल। ये क्या यार, जैसा किताब में दिया वैसा ही कर रहा है। मुझे दिखाओ। चार पन्नों में जो समझाया है उसे इसने 4 स्टेप में ही सॉल्व कर दिया। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंकर चक्र गदा से महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े डोला सुर भयंकरी सर्व। रामानुज है क्या? वो अभी तक स्कूल से लौटा नहीं है, क्या काम था? अरे कुछ नहीं आंटी, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, वो हमारा रामानुज है ना, हमें उससे प्राइवेट ट्यूशन लेना है इसलिए हम यहाँ हैं। सच में? फिर तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग वहाँ पर जाके बैठ जाओ, रामानुज आता ही होगा। ठीक है, चलो आओ। चलो चलो। रामानुज, तुम्हारी सम वाली स्लेट को हमने सीतारमन प्रोफेसर को दिखाई, और तुम्हें पता है 5 मिनट के लिए तो उसकी बोलती बंद हो गई, फिर वो धीमी आवाज से हमसे बोला, हाँ ये सवाल इतनी आसानी से तो मैं भी सॉल्व नहीं कर पाता, तुम्हें पता है क्या ये कौन से कॉलेज के प्रोफेसर ने किया है? फिर मैंने उसे बताया, ये किसी प्रोफेसर ने नहीं, टाउन स्कूल में पढ़ने वाला एक 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसने सॉल्व किया है। ये सुनते ही उन्हें शॉक लग गया, भगवान ही जाने क्या हुआ होगा उनको, कल कॉलेज जाके ही पता लगेगा कि वो जिंदा है या मर गए। पता है आपको, हमारे बेटे रामानुज से गणित सीखने के लिए बीए पढ़ने वाले बच्चे आए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान है, आप लोग समझ गए है ना? समझ गए। कितनी आसानी से हमको समझा दिया, अब तो मास्टर्स 1 साल में कर लेंगे। रामानुज इज ग्रेट। लेकिन बेचारा बहुत गरीब घर से है, हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए।
अब जब दिमाग में गणित पूरी तरह घुस चुका है और लड़कियों को बेझिझक देखने का लाइसेंस मिल गया है।